हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर फॉर सेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर सेशंस के बारे में। हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में हम अभी तक काम करते आए हैं। और आपने अगर पुराने चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप पुराने चैप्टर्स को देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। सेशंस के लिए हम क्या करते हैं कि एक अलग कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं इसका नाम रखूँगा सेशन डेमो करके, मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। ये और मैं इसी का ही कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, कहीं से किया मैंने ये कोड और इस पर पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। आप चाहे तो पूरा कोड अपने आप राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे राइट ना करना पड़े। ये मेरा कंट्रोलर तैयार हो गया है। और अगर मैं इस सेशन डेमो कंट्रोलर को देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या आउटपुट है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आउटपुट हम सेट करके देख लेते हैं सेशन डेमो से। और ये हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर फोर हमारा एग्जिस्टिंग यहीं पे चल रहा है। और मैं इसके इंडेक्स मेथड करता हूँ तो ये हमारा एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब हमारा कंट्रोलर सही से काम कर रहा है। अब हमें सेशन के लिए काम करना है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सेशन लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हम सेशन लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं और फिर सेशन में हम डेटा कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन, सेट डेटा करके मैं बना लेता हूँ ताकि यहाँ पर हम डेटा सेट करेंगे। और एक गेट डेटा भी मैं करके बना लेता हूँ। तो सेशन में एक तो हम डेटा सेट करते हैं, सेव कराते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या होता है कि सेशन के जो डेटा सेव होता है सेशन में उसको हम रिट्रीव करके कहीं भी यूज़ करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं या फिर कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो दो ही तरीके होते हैं, सेट करना और गेट करना। तो पहले हम सेट करेंगे कि सेव कैसे करेंगे इसमें सेशन में। ओके, सेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटर फॉर्म में, हम कॉन्फिग सर्विसेज का ही यूज़ करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर ये सेशन का वेरिएबल बनाया कॉन्फिग सर्विस सेशन, तो ये सेशन का एक ऑब्जेक्ट बन गया इस सेशन क्लास का। अब मुझे सेशन में सेट करना है सेट, मैं एक नाम कुछ सेट कर देता हूं और नेम की मैंने वैल्यू सेट करी है। ये मैंने नेम की वैल्यू सेट की है। सेशन यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ किया, सेशन में सेट किया। एक मिनट, हम डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं, वहाँ से अगर कोई एग्जांपल होगा तो हम सीधा वही उठा लेंगे। जैसे ये सेशन, चलो अब ऐसे ही करते हैं। अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर मैं सेट डेटा को मैं कॉल करा देता हूँ, यहाँ पर डेटा हमारा सेट हो गया। अच्छा, मैंने कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं जनरेट किया है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा हैज़ बिन सेट टू हैज़
सेट टू सेशन, ताकि हमें पता रहे कि हाँ डेटा सेट हुआ है। तो डेटा सेट हो गया है, अब मुझे डेटा रिट्रीव करके दिखाना है सेशन से। तो सेम पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो हम मेथड को कॉल करा ही नहीं सकते सेशन का ऑब्जेक्ट जो भी होगा। और इस बार मुझे सिर्फ गेट को कॉल कराना है, और गेट के अंदर अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि मुझे क्या गेट कराना है, मान लो मैंने इसे नेम वेरिएबल में सेव करा लिया, और अब मैं यहाँ पे कराता हूँ हाय। देखिए यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सेशन से उठा रहा हूँ, और सेशन में हमने ये पहले सेव किया था, नेम को सेव किया है। तो नेम की जो वैल्यू है अगर मुझे दूसरी जगह कहीं दिखानी है एप्लीकेशन में, तो उसके लिए मैं गेट करूँगा सेशन नेम को हाय, ये मैंने गेट करके यहाँ दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर गेट डेटा करता हूँ, यानी कि मुझे गेट डेटा, देखिए हाय रिलैक्स प्रोग्रामर्स, तो जो रिलैक्स प्रोग्रामर्स है ये पहले सेशन में ऑलरेडी सेव है और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा ये तो है सेम कंट्रोलर पे, सेम कंट्रोलर पे सेशन डेमो के सेम कंट्रोलर पर मैंने डेटा सेव किया है यहाँ पर, और उसके बाद मैं इस डेटा को यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेम कंट्रोलर में ही। अच्छा एक दूसरा भी हम कंट्रोलर बनाते हैं कि दूसरे कंट्रोलर पे हम कैसे दिखाएंगे सेशन के डेटा को। प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस एक हम दूसरा कंट्रोलर बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि इस वाले सेशन इस वाले कंट्रोलर से दूसरे वाले कंट्रोलर पे, तीसरे कंट्रोलर पे, पांचवे कंट्रोलर पे डेटा कैसे डिस्प्ले कराया जाएगा। मैं सेशन टू डेमो कर लेता हूँ, सेशन टू डेमो पीएचपी मैंने बनाया, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं सिर्फ कंट्रोलर बनाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको नहीं रखा। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, सो फ्रॉम सेशन। अब हमने कोई डेटा यहाँ सेट नहीं किया है, इस कंट्रोलर में तो नहीं किया है या कहीं भी नहीं किया है, ऑलरेडी हमारा डेटा सेशन में है क्योंकि हमने यहाँ पर सेट डेटा मेथड को कॉल कराया था, सेशन डेमो कंट्रोलर के सेट डेटा मेथड को कॉल कराया था। तो सेशन डेमो के सेट डेटा ने क्या किया था कि नेम वेरिएबल के अंदर एक डेटा को स्टोर करा दिया था। अब वो सेशन में आ चुका है और अब उसे हम एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हमें दोबारा इस वाले फंक्शन को कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है अब यहाँ पर हम करते हैं, तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा कि सेशन को इनिशियलाइज करूँगा, सेशन क्लास को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और सेशन गेट, और जो वेरिएबल है सेशन के अंदर नेम नाम का वेरिएबल हमने स्टोर कराया था, इस बार मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो फ्रॉम, हेलो नेम फ्रॉम सेशन टू कंट्रोलर। तो ये जो नेम है ये हमारे पुराने कंट्रोलर पे हमने सेशन में सेव कराया था, तो वो अब तक भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा जब तक कि हम सेशन से उसे डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो अगर मैं सेशन टू पे आता हूँ, सेशन टू डेटा ये फंक्शन का नाम शायद मैंने गलत दे दिया है, सेशन टू डेमो, कि हमने यहाँ चेंज नहीं किया इसलिए मिल नहीं रहा है इसे, इस बार मिल गया हेलो रिलैक्स प्रोग्रामर। ये जो है ये हमने पहले ही सेशन में सेव किया था, वो अभी तक भी सेशन में है, तो वो सेशन में दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कितने भी जगह पे कंट्रोलर्स में जाके इसे दिखाना चाहूँगा सेशन की वैल्यू को, तो हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेशन से गेट करने का तरीका है। इसके अलावा देख लेते हैं कि सेशन से हटाते कैसे हैं वैल्यू को, डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। मैं इसी में कर लेता हूँ सेशन क्लास
क्लीन कर देता हूँ, सेशन को क्लीन करना या क्लियर कर देते हैं। अब ये सिंपल ऐसा ही है जैसे कि मैंने अनसेट कर दिया हो डॉलर ग्लोबल वेरिएबल्स होता है सेशन, इसके अंदर से इसे हटा दो, एक ही बात है। या तो मैं इसको हटा सकता हूँ या फिर कोऑर्डिनेटर का वे क्या होता है कि मैं सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ये सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको सेशन डिस्ट्रॉय, डायरेक्टली मैं सेशन डिस्ट्रॉय का यूज़ कर सकता हूँ या सेशन ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के मेथड का यूज़ करना है तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐसे, और सेशन के सेशन ऑब्जेक्ट का ये डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सेशन हैज क्लियर। अब देखते हैं क्या होगा अगर मैं इस वाले मेथड को कॉल कराऊंगा सेशन टू। अगर मैंने सेशन टू का ये मेथड कॉल करा दिया सेशन हैज क्लियर, तो सेशन अब क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि सेशन टू का जो ये जो मेथड ये नाम प्रिंट करके दिखा रहा था और ये सब कह रहा था वो क्या कहेगा। अब इसमें से नाम जो यहाँ नेम था, नेम वेरिएबल की वैल्यू वो चली गई है, वो हट गई है वैल्यू, क्योंकि सेशन को हमने क्लियर कर दिया है तो सेशन में अब कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं दोबारा से सेशन डेमो का सेट डेटा मेथड को मैं कॉल करा दूंगा तो फिर से डेटा वैल्यू आ गई है सेशन में, क्योंकि सेट डेटा क्या कर रहा है नेम के अंदर वैल्यू को रख रहा है। और अगर अब मैं सेशन टू के शो फ्रॉम सेशन, अगर मैं सेशन टू डेमो के शो फ्रॉम सेशन मेथड को कॉल कराऊंगा तो ये देखिए फिर से रिलैक्स प्रोग्रामर्स आ गया है यहाँ पे। तो ये सेशन में कैसे सेट करते हैं, सेशन से वैल्यूज को कैसे लेते हैं, ये तरीका है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसमें क्या सेट करा रहे हैं, सेट कराने की अभी तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल को ही सेट कराया है, नॉर्मल वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है ये, उसको सेव कराया। अगर मैं ऐसे यूज़र करके सेव करा दूं और यूज़र के अंदर कोई एरे हो, एक एरे सेव करा दूं नेम माय नेम या यूज़र नेम और ईमेल@gmail.com, तो इस बार मैं एक एरे को सेव करा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं एरे को अगर सेव करा रहा हूँ सेट डेटा में, फिर से आता हूँ सेट डेटा सेशन का सेट डेटा, तो डेटा यहाँ सेट हो गया। अब हम देखते हैं गेट डेटा पे क्या आएगा। यहाँ पर सेम वो ही आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से हटाया नहीं और अभी तक नेम सेशन में ही है, वो हटा नहीं है तो वो वैसा ही आ रहा है। अगर मैं इसको या फिर सेशन टू डेमो को मैं यहाँ पर आकर नेम की जगह यूज़र को मैं कर देता हूँ, क्योंकि इस बार मैंने यूज़र को भी सेट किया है, यहाँ पर यूज़र को भी सेट किया है। आप दो भी सेट कर सकते हो, पाँच भी, दस भी, कितना भी वो सेट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग आपने किया है नेम, मैं यहाँ पर मान लो रिलैक्स प्रोग्रामर्स कर देता हूँ, ये मैंने नेम सेव करा दिया यहाँ पे और इसे छोटा कर देते हैं। तो नेम वेरिएबल को हम ऐसे लेंगे, अब मुझे यूज़र वेरिएबल को लेना है तो मैं यूज़र को ऐसे लूँगा सेशन गेट यूज़र। तो ये तरीका है मल्टीपल वेरिएबल्स को सेशन के अंदर सेव कराने का। लेकिन अब यूज़र को मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकता हूँ, अगर मैं इको करने की कोशिश करूँ ना यहाँ पर यूज़र को, ऐसे ही मैंने करने की कोशिश करी
तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो यूज़र है ना वो एक एरे है। यहाँ पर हमने एक एरे को सेव कराया है सेशन के अंदर, तो वो एक एरे है, वो ऐसे सेव नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, क्योंकि मैं स्ट्रिंग की तरह उसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक एरे है। लेकिन मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, नेम इसको मैं करा सकता हूँ, एरे के अंदर जो एक मेरा इंडेक्स है उसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ कि भाई यूज़र के अंदर, यूज़र एरे के अंदर जो नेम है उसको कराओ। तो ये हो जाना चाहिए हाई यूज़र नेम। लेकिन इसमें रिलैक्स प्रोग्रामर्स नहीं है हम, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसे स्मॉल में कर दिया, ले और लास्ट टाइम हमने जो सेव किया था वो कैपिटल था, ऐसे था, कैप्स में था एन, इसलिए। तो इस वेरिएबल को अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, अब दोनों वेरिएबल अलग हैं। अगर मैं इसको फिर से क्लियर करूँ, सेशन क्लियर को, डेमो टू सेशन क्लियर, तो सेशन क्लियर हो गया। तो सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने सेव कराए हैं, 10, 20, 25, 50, 100, जितने भी वेरिएबल हमने सेव कराए हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे और फिर से वो सबकी वैल्यू नल हो जाएगी, वो मिलेंगे नहीं, एम्प्टी हो जाएंगे सब, कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा उसमें, सेशन में सेशन रेस्टोर हो जाता है कम्प्लीटली। ओके, अब मुझे दोबारा से इसे सेट करना होगा, तो फिर से मुझे सेट पे आना पड़ेगा। ये सेट हो गया, और अब मैं गेट डेटा करता हूँ, तो इस बार नेम भी आ गया और यूज़र नेम भी आ गया। तो ये सेट करना और गेट करना है कि सेशन में हम कैसे डेटा सेट कराते हैं, कैसे हम सेशन से डेटा को रिट्रीव करते हैं और यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर इसको सेशन को क्लियर कैसे करते हैं, डेस्टोर कैसे करते हैं वो भी देख लिया, सेशन को सेशन में सेव कैसे कराते हैं, स्टोर कैसे कराते हैं, सेट कैसे कराते हैं वो भी, सेशन से गेट कैसे करते हैं देखना। इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट मेथड है तो उसको देखते हैं। ओके, सेशन रिमूव भी है, सेशन रिमूव का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डेस्कटॉप में एक बार में ही चले जाते हैं सारे वेरिएबल्स, लेकिन रिमूव के केस में क्या होता है कि हमें एक एक करके हटाना पड़ता है ऐसे। ये भी डेस्कटॉप की तरह ही काम करता है, लेकिन सिर्फ ये सिंगल वेरिएबल को हटाता है। और अगर मैं यहाँ पर एरे दे देता हूँ, एरे ऑफ आइटम्स, ऐसे भी पास करा सकता हूँ, नेम को हटाओ, यूज़र को हटाओ, अगर 10-12 वेरिएबल्स मैं एक बार में डाल दूं एरे इंडेक्स में तो उन सबको वो हटा देगा। जैसे कि अभी मैंने यूज़र को, नेम को हटा देता हूँ सिर्फ रिमूव करके, और देखते हैं क्या होगा। अभी हमारा आउटपुट है, यूज़र नेम भी है और ये भी है, नेम भी है। मैं सेशन टू में जाता हूँ और सेशन क्लियर को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर। अब मैं वापस आके देखता हूँ, शो फ्रॉम सेशन, ओके, अगेन यहाँ पर ये नहीं है, जो यूज़र है ये नेम की तरह मैंने लिया है, ये गलत कर दिया है यहाँ पर, इसको नेम ही कर देता हूँ। तो यहाँ से नेम चला गया, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सेशन डेमो पे आके और गेट डेटा करता हूँ, यूज़र नेम तो है, यानी कि यूज़र डेटा तो है अभी भी, ये वाला यूज़र तो है लेकिन नेम नहीं है। सेशन के अंदर से नेम को हमने हटाया, और नेम को इसलिए हटाया क्योंकि हमने रिमूव के अंदर केवल नेम को ही कॉल किया है। अगर मैं दोनों को ही कॉल कर देता हूँ, ऐसे में यूज़र भी डाल देता हूँ एरे के अंदर, और फिर मैं आके यहाँ पर करता हूँ कि सेशन टू में आओ, सेशन टू डेमो, सेशन क्लियर, अब दोनों वेरिएबल क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सेशन डेमो पे और मैं यहाँ पर शो करता हूँ गेट डेटा, ये गेट डेटा मैंने शो किया, तो अब यहाँ पर दिक्कत आ गई कि ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफ सेट नल, यानी कि नेम जो ये है, नेम यूज़र एरे का जो नेम है
इसको एक्सेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन यूज़र के अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने उसे रिमूव कर दिया है सेशन क्लियर वाले पेज पर, सेशन क्लियर वाले मेथड के अंदर। तो यूज़र के अंदर भी कुछ नहीं है, नेम के अंदर भी कुछ नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन आया है। तो फ्रेंड्स, सेशन के अंदर सिर्फ इतना ही, इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।